तो बढ़ते खबरों में आगे, तो प्रदेश के महोबा में बजरंग दल ने देश में बढ़ रहे हिंदू विरोधी गतिविधियों को लेकर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान बजरंग दल के सदस्य बड़ी संख्या में सड़कों पर मौजूद रहे। मुख्यालय के तहसील परिसर से बजरंग दल ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एडीएम को सौंप भी दिया। मौके पर सदस्यों का कहना था कि साजिशन हिंदू समाज को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसे में पूरे मामले की जांच के लिए सख्ती से कार्रवाई हो, इसलिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया है। तो तस्वीर आप महोबा की देख रहे, बजरंग दल का धरना प्रदर्शन कहीं ना कहीं सामने देखने को मिला। आज जो है किस प्रकार का धरना प्रदर्शन था और किस प्रकार की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा? यह जो ज्ञापन आज धरना प्रदर्शन हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा कि कानपुर और पूरे भारत में जुमा की नमाज के बाद जो हिंसा फैलाई गई अराजक तत्वों के द्वारा, और जो राजस्व की क्षति और हिंदू परिवारों के ऊपर जो षड्यंत्र पूर्वक हमले किए गए, उसके विरोध में आज यह बजरंग दल का राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन दिया गया है। और यह मांग की गई है कि ऐसे दुष्ट और देशद्रोही लोगों के ऊपर रासका जैसी कार्रवाई करते हुए, चिन्हित करते हुए उनको जेल भेजा जाए। यह अभी ज्ञापन हम लोगों ने एडीएम साहब को दिया गया है। तहसील से हम लोगों ने अपना धरना का शुरुआत किया था। सड़कों पर जैसे ही राम किनारे लगाते हुए तहसील आए और ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा।